गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सी एक रेमेडी बताऊंगी जो स्किन पे से टैनिंग को भी ख़त्म करेगी और स्किन को फेयर एंड क्लीन क्लियर करेगी। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे चलें, सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि बार बार यूज़फुल वीडियो आप तक पहुँच सके। तो गाइस इसके लिए हमें चाहिए दही, ठीक है, फ्रिज में रखा हुआ दही, थोड़ा ठंडा हो, ठीक है, थोड़ा पतला है दही, ठंडा है फ्रिज का। तो मैंने तकरीबन 2 चम्मच के मुताबिक दही को ले लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी, दही जो होता है लैक्टिक एसिड से भरपूर होता है, स्किन को ब्राइट करता है, वाइट करता है। तो मैंने 2 चम्मच दही लिया और उसमें 1 स्पून में डालूँगी राइस फ्लोर का, ठीक है। राइस फ्लोर स्किन को एक्सफोलिएट करता है और ब्राइट करता है स्किन को, ठीक है। मैंने इसमें तकरीबन 1 स्पून डाल दिया है राइस फ्लोर का। अगर राइस फ्लोर ज़्यादा भी हो जाए तो आप इसमें दही को मज़ीद ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसमें ऐड कर दिया राइस फ्लोर को और इसमें ऐड करूँगी अब मैं थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी। आप चाहें तो घर की सादा ले सकते हैं हल्दी। हल्दी भी इसकी एंटी बैक्टेरियल है, स्किन को साफ करती है, ब्राइट करती है। राइस भी बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए, राइस फ्लोर तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, स्किन को एक्सफोलिएट करता है। मैंने 1 पिंच हल्दी का इसमें डाल दिया है। अगर आप घर की हल्दी डालेंगे तो फिर 1/2 पिंच डालिएगा, ठीक है। इस तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें हल्दी बहुत ही अच्छी होती है रंग साफ़ करने के लिए और एंटी बैक्टेरियल भी होती है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन को। लेमन जो होता है स्किन पे से टैनिंग को ख़त्म करता है, रंग को साफ करता है, स्किन को क्लियर करता है। और दही और हल्दी के साथ तो बहुत ही अच्छा इसका कम्बिनेशन होता है और ये स्किन को फेयर करता है। तकरीबन 1/2 स्पून हम इसमें लेमन का ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से इसके जो बीच इसमें चले गए उसे निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस ये स्किन पे से छाइयाँ भी साफ़ करेगा और स्किन पे से डार्कनेस है ना वो भी साफ़ करेगा। आप चाहें तो इसको हैंड एंड फुट पे सब जगह लगा सकते हैं और इसको बेहतरीन स्क्रबिंग करता है ये। तो अच्छी तरीके से मिक्स करके पैक तैयार कर लें। तो गाइस ये हमारा वाइटनिंग पैक तैयार है और ये स्किन को ब्राइट करेगा, वाइट करेगा। इसे रात के टाइम लगाएं, ठीक है, और सादे पानी से वॉश कर लें, 15 मिनट लगाएं, 20 मिनट लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बहुत ही अच्छा एक मास्क है जो स्किन पे से दाग धब्बे और स्पॉट्स, छाइयाँ, पिगमेंटेशन सब ख़त्म करेगा, ठीक है। इसको लगाना किस तरह के, अच्छी तरह फेस धो के या हाथ पांव पे लगाना है, उसी से को अच्छी तरीके से धो कर आप इस तरह से ले के मुतासर हिस्से पे इस तरह से लगा लें अच्छी तरीके से, इस तरह से लगा लें मसाज करके, ठीक है। इस तरह से लगा के इसको 15 मिनट छोड़ देंगे और 15 मिनट बाद इसे आप सादे पानी से धो लें तो ये बहुत ही अच्छा, और गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें हल्दी है और जो एंटी बैक्टीरियल होती है और जर्म्स किल करती है और ये बहुत ही अच्छी है। और जो टैनिंग आ जाती है फेस पे ये उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हील करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको पसंद आएगा, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को ज़रूर करा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।